हाय गाइस, आई एम हितेश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम लोग करने जा रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड का स्टैंडर्ड 7th का हिस्ट्री एंड सिविक्स का चैप्टर नंबर 4, महाराष्ट्र बिफोर द टाइम्स ऑफ शिवाजी महाराज का लेक्चर नंबर 1। सो कम ऑन, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, महाराष्ट्र बिफोर द टाइम्स ऑफ शिवाजी महाराज, इस चैप्टर में हम लोग सीखने वाले हैं महाराष्ट्र की स्थिति, महाराष्ट्र किस तरह था शिवाजी महाराज के जन्म से पहले। ओके, सो चलिए, एट द बिगनिंग ऑफ द 17th सेंचुरी, शताब्दी 17वीं शताब्दी की शुरुआत में बहुत सारा जो महाराष्ट्र था, लगभग जितना भी महाराष्ट्र था वो निज़ाम शाह, अहमदनगर के निज़ाम शाह के कंट्रोल में था, और आदिल शाह जो कि बीजापुर के बादशाह थे उनके कंट्रोल में था। मतलब ज़्यादातर महाराष्ट्र इन दोनों मुग़ल राजाओं के हाथ में था। ओके, और अभी धीरे धीरे मुग़ल्स जो थे वो गुजरात भी एंटर करने जा रहे थे, मतलब खानदेश एक गुजरात में जगह है, वहाँ पर उनका ऑब्जेक्टिव था, उनका ऑब्जेक्टिव मतलब उनका जो टारगेट था वो था कि अपना पूरा पावर वो साउथ इंडिया में भी एक्सटेंड करें, एक्सपांड करें, ताकि साउथ इंडिया को भी वो कैप्चर कर सकें। ओके, और वहाँ पर साउथ इंडिया में बहुत सारे सेटलमेंट्स थे, बहुत सारे लोगों के घर थे, सिद्दी पीपल जो कि अफ्रीका से आए थे। ओके, कोस्ट जो कि कोंकण साइड मतलब गोवा साइड में सिद्दी पीपल की एक जाति थी जो कि अफ्रीका से आए थे। ओके, द कॉम्पिटिशन एंड कन्फ्लिक्ट अमंग द पोर्चुगेज, द ब्रिटिश, द फ्रेंच एंड द डच हु हैड केम फ्रॉम यूरोप वॉज गेटिंग इंटेंस ड्यूरिंग दिस पीरियड। और इस समय जो लोगों में कॉम्पिटिशन होती थी, पोर्चुगेज, ब्रिटिश, फ्रेंच, डच, ये चार यूरोपीय देश थे, पोर्चुगल, इंग्लैंड, फ्रांस, डच, इन चारों देशों में कंपटीशन था कि कौन भारत के साथ व्यापार करेगा, बिजनेस करेगा। और वहाँ पे स्टिफ कंपटीशन था कि हाँ, मतलब वही कि कौन भारत के साथ ट्रेड करेगा, ओके, मार्केटिंग करेगा। द पोर्चुगेज हैड ऑलरेडी एस्टैब्लिश देयर रूल इन गोवा एंड वसई ऑन द वेस्टर्न कोस्ट लाइन। पोर्चुगल ने पहले से ही वसई और गोवा में अपना डेरा जमा लिया था। ब्रिटिश, डच और फ्रेंच ने एक एंट्री ले ली थी भारत के साथ ट्रेडिंग करने के लिए, वहाँ पर वो धीरे धीरे अपनी फैक्ट्रीज बनाते जा रहे थे। ओके, ऑल दीज पावर्स असेस्ड द स्ट्रेंथ ऑफ अदर पावर्स, केप्ट देमसेल्व सेफ एंड ट्राई टू डोमिनेट एज मच एज पॉसिबल। ये सारे जितने भी पावर्स हैं, डच, फ्रेंच, पोर्चुगल, ब्रिटिश, ये सब अपने आप को बचा के रखने की कोशिश कर रहे थे ताकि इनको कोई हटा ना सके। ओके, इनको कोई खदेड़ नहीं सके। देन दिस कॉन्फ्लिक्ट दिस कॉन्फ्लिक्ट हैड क्रिएटेड इंस्टेबिलिटी एंड इनसिक्योरिटी इन महाराष्ट्र। और ये जो लड़ाई थी, ये जो कॉम्पिटिशन थी, वो धीरे धीरे महाराष्ट्र के लोगों को इनसिक्योरिटी, इंस्टेबिलिटी दे रही थी, मतलब लोगों को घबराहट होने लगी थी महाराष्ट्र के लोगों को। और ये अलग अलग लोगों के, अलग अलग जो तरीके के लोग हैं, डच, ब्रिटिश, फ्रेंच, पोर्चुगल, जो कि यूरोप से आए थे, उन्हें तोपकर बोला जाता था। तोपकर क्या? तोपकर किन्हें? जो कि यूरोप से आए थे, डच, ब्रिटिश, पोर्चुगल और फ्रेंच, उनके हेड गियर के हिसाब से। हेड गियर मतलब जो सेना के लोग जिस तरह अपने सर पे युद्ध के समय टोपियाँ पहनते हैं ना, उसको तोपकर बोलते थे वो लोग, महाराष्ट्रियन पीपल, और हेडगियर उनको बोलते हैं। क्योंकि फ्रेंच, डच, ब्रिटिश, पोर्चुगल, ये सब अलग अलग तरीके के लोग हैं। ओके, और अलग अलग तरीके के हेडगियर पहनते थे, इसलिए इन्हें तोपकर बोला जाता था। ओके, इट इज़ नेसेसरी टू गेट अपॉइंटेड विद द विलेज मौजा, कस्बा एंड परगना टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ settlements in that period, as also of the officers that formed a link between the rulers and their subjects, and also the markets and the craftsmen. अभी ये भी important thing है, एक बहुत ही necessary है, ज़रूरत है हमें ये पढ़ने की, कि village, कस्बा, परगना, ये तीनों क्या होती है। जो महाराष्ट्र में उस समय village system होता था, इसे बोला जाता था मौजा, village को मौजा बोला जाता था, कस्बा और परगना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, वो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले परगना जो था वो बहुत सारे विलेजेस को एक साथ बनाकर, मतलब बहुत सारे विलेजेस को एक साथ जोड़ दिया जाता था, तो उसको परगना बोलते थे। जनरली जो हेडक्वार्टर्स होते थे परगना के, उसको कस्बा बोला जाता था। कस्बे, समझ में आया? कस्बा आपने सुना होगा ना वर्ड, कि कितने सारे कस्बे हैं, ऐसे हम लोग बोलते हैं ना। तो
परगना के जो हेडक्वार्टर्स हैं उसको कस्बा बोला जाता है, ओके। और जो एक विलेज जो स्मॉलर होता था कस्बा से, समझो एक बहुत बड़ा विलेज है जो कि कस्बा से, मतलब बहुत बड़ा विलेज को कस्बा बोला जाता है, तो अगर उससे कस्बे से कोई छोटा सा विलेज हो तो उसको मौजा बोला जाता है, ओके, मौजा उसको बोला जाता है। तो अभी हम लोग विलेज, कस्बा और परगना को अच्छी तरह से समझते हैं, ओके। विलेज, मौजा, मोस्ट ऑफ द पीपल लिव्ड इन विलेजेस। पुराने समय में ज़्यादातर लोग विलेजेस में रहते थे। अ विलेज वॉज ऑल्सो कॉल्ड मौजा, विलेज को मौजा भी बोला जाता था। द चीफ ऑफ द विलेज वॉज द पाटिल, अभी मुखिया भी बोला जाता है, बट महाराष्ट्र में पाटिल बोला जाता था मुखिया को, ओके। सरपंच को, गांव के सरपंच को, ही यूज टू ट्राई टू बिकम ब्रिंग मैक्सिमम लैंड अंडर कल्टिवेशन। वो गांव के जितनी भी ज़मीन है उसको एग्रीकल्चर में लाने की कोशिश करता था। व्हेन देयर वाज एनी डिस्प्यूट इन द विलेज, कोई भी झगड़ा अगर गांव में होता था किसी के बीच में, तो पाटिल उसको सॉल्व करता था, लोगों में शांति बनाए रखता था। और एक और आदमी था कुलकर्णी, जो कि पाटिल को हेल्प करता था उसके काम में। कुलकर्णी सारा रिकॉर्ड रखता था, जो कि टैक्स जो भी कलेक्ट किया जाता था लोगों से, उन सब का रिकॉर्ड रखता था अपने बुक में। बहुत सारे अलग अलग तरीके के आर्टिसंस रहते थे, आर्टिस्ट रहते थे विलेज में। दे हैड हेरिडिटरी राइट्स रिगार्डिंग देयर ऑक्यूपेशन, मतलब अलग अलग काम धंधे करने वाले लोग गांव में रहा करते थे, और उनको अलग अलग करने का, काम करने वाले, धंधे करने, बिजनेस करने वाले लोग रहते थे गांव में। द पीजेंट्स गेव अ शेयर ऑफ देयर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस टू द आर्टिसंस फॉर द सर्विस दे रेंडर्ड टू द विलेज कम्युनिटी। दिस शेयर वॉज नोन एज बलूटा। जो गांव के आम लोग हैं वो अपना शेयर देते थे एग्रीकल्चर में से, ताकि आर्टिसंस को, ताकि जितनी भी गांव में दूसरी सर्विसेज है वो पूरी हो सके, ओके, जो कि गांव के लोगों को ज़रूरत है, जैसे दूध, जो भी हुआ, कुछ भी एनिमल प्रोडक्ट्स। वो एग्रीकल्चर बहुत कॉमन लोगों का काम होता था ना, तो उसमें बहुत सारा कमाई होता था, तो आम लोग उसमें से कमाई देके आर्टिसंस को पैसे देते थे, ताकि दूसरी सर्विसेज भी गांव के लोगों को मिल सके। और इस शहर को बोलते थे बलूटा, क्या बलूटा। नेक्स्ट इज कस्बा। अ कस्बा वॉज लाइक अ बिग विलेज, एक कस्बा जो था वो बहुत बड़ा विलेज होता था, गांव होता था। इट वॉज़ यूजली द हेडक्वार्टर्स ऑफ परगना, वो परगना का हेडक्वार्टर होता था, ओके। ऐसे जैसे अभी यहाँ पे एग्जांपल भी दिया, इंदापुर कस्बा, जो कि इंदापुर परगना का, मतलब समझो हेडक्वार्टर का क्या मतलब होता है। समझो परगना है, एक परगना मतलब तीन चार दस विलेजेस को अगर मैं मिला दूँ तो एक परगना बनेगा, ओके। और परगना का एक ऑफिस बनाया जाएगा जिसको हेडक्वार्टर बोला जाता है, और उसे, उस ऑफिस को हम लोग बोलते हैं कस्बा, ओके। जैसे समझो लोगों को कुछ जानकारी चाहिए, लोगों को घर खरीदना है परगना में, तो उसको, उन लोगों को उस ऑफिस में जाना पड़ेगा ताकि पूछ सकें, ओके। उस ऑफिस में जाना पड़ेगा इंक्वायरी करने के लिए, और उसको बोला जाता है कस्बा। तो एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, इंदापुर कस्बा जो है इंदापुर परगना का है, ओके, समझ में आया। इंदापुर गाँव का, इंदापुर परगना का इंदापुर कस्बा है हेडक्वार्टर, ओके, जहाँ पर लोग इंक्वायरी कर सकते हैं। वाई कस्बा ऑफ वाई परगना वर द हेडक्वार्टर्स ऑफ दोज परगनाज। वाई कस्बा जो है वो वाई परगना का क्या है, हेडक्वार्टर है। एग्रीकल्चर वो लोगों का मेन ऑक्यूपेशन होता था, आम लोगों का। और देयर वर स्किल्ड आर्टिसंस लाइक कारपेंटर्स, ब्लैक स्मिथ्स एटसेट्रा इन अ कस्बा। बहुत सारे कस्बा मतलब समझो, हाँ यही, ओके, बहुत सारे आर्टिसंस होते थे, कारपेंटर्स, ब्लैक स्मिथ्स जो कि लोहे का काम करते थे, कारपेंटर्स मतलब जो लकड़ी का काम करते थे कस्बे, एक कस्बे में, ओके। देयर वॉज यूजली अ मार्केट पेट एडजेसेंट टू कस्बा। एक कस्बा की तरह एक मार्केट भी होता था जिसको बोला जाता था पेट। द शेटे एंड महाजन वर द वतनदार्स ऑफ द पेट। शेटे एंड महाजन, ये दो तरीके के लोग हैं जो वतनदार्स होते थे, मतलब अमीर घराने के लोग, ओके। एवरी विलेज डिड नॉट नेसेसरीली हैव अ पेट। हर गांव को एक पेट होना चाहिए ऐसा ज़रूरी नहीं था, ओके, नहीं होता था हर गांव को ज़रूरी कि पेट होना ही चाहिए। द सेटिंग अप ऑफ अ पेट वॉज द जॉब ऑफ शेट्टीज एंड महाजन्स, ओके। सेटिंग अप ऑफ अ पेट
अभी किसी गांव का किसी बड़ा मार्केट है उसको सेट करना है, वो टाइम पे तो दुकानें नहीं होती थी, मतलब एक ऐसे छोटे झोपड़ी में लोग मार्केट बनाते थे कपड़े से, तो उसको सेटिंग करने के लिए किसको बुलाया जाता था, शेट्टीज़ और महाजन्स को, और उसके लिए उनको बहुत उनको एक ज़मीन दी जाती थी गवर्नमेंट से ताकि वो भी कुछ काम कर सकें। ओके, द महाजन मेंटेन द अकाउंट्स ऑफ द पेट, और जितनी भी कमाई होती थी किसकी पेट मार्केट की जितनी भी कमाई होती थी वो महाजन संभालते थे। ओके, कमाई अकाउंट जितना भी होता था वो महाजन संभालते थे। नाउ परगना पढ़ेंगे हम लोग और अच्छी तरह से, और आई थिंक हम लोग यहाँ तक करेंगे कला तक। ओके, कला तक। नाउ वी विल रीड परगना एंड देन वी विल स्टॉप दिस लेक्चर। सॉरी, परगना नहीं, ये वाला द वर्क ऑफ द वर्करी मूवमेंट। ओके ओके, सो नाउ वी विल डू परगना वन। मैनी विलेजेस टुगेदर मेड अ परगना। महाराष्ट्र में जितने भी गांव होते थे छोटे मोटे, उन सबको अगर जोड़ देते थे तो उनको एक परगना बोला जाता था बड़ा। तो बट द नंबर ऑफ विलेजेस वॉज नॉट द सेम इन ऑल परगनाज, मतलब जितने भी महाराष्ट्र में परगना थे उन सब में एक समान नंबर्स नहीं थे गाँव के। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पुणे का परगना है तो वो बहुत बड़ा परगना था पुणे, उसमें 290 यानी 290 विलेजेस होते थे। देर वर 64 विलेज इन द चक्कन परगना। चक्कन परगना में सिर्फ 64 विलेजेस होते थे। शिरवाल परगना वॉज स्मॉल, इसमें सिर्फ 40 गांव होते थे। द देशमुख एंड द देशपांडे वर द वतनदार ऑफ ऑफिसर्स ऑफ द परगना। अभी देशमुख और देशपांडे जो होते थे वो वतनदार ऑफिसर्स होते थे परगना के, वो भी एकदम ऐसे अमीर होते ना उस तरह के। तो देशमुख वॉज द चीफ ऑफ पाटिल्स इन अ परगना। देशमुख जो होते थे वो पाटिल, मतलब जितने भी गांव के मुखिया, उसके हेड होते थे एक परगना में। ओके, और दो देशमुख, द देशमुख डिड एट द परगना लेवल व्हाट द पाटिल डिड एट द विलेज लेवल। देशमुख जो भी काम करता था वो परगना लेवल के पे काम करता था, और पाटिल एक विलेज के लेवल पे काम करता था। द देशपांडे वॉज द चीफ ऑफ ऑल कुलकर्णीज इन द परगना। ओके, तो देशपांडे जो होता था वो कुलकर्णीज के, जितने भी कुलकर्णीज होते थे परगना में, जितने भी गांव के कुलकर्णीज का वो हेड होता था। द देशपांडे डिड एट द परगना लेवल, और वो भी परगना लेवल पे काम करता था, और कुलकर्णी विलेज लेवल पे काम करते थे। दीज वतनदार ऑफिसर्स वर द लिंक बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट। और ये वतनदार ऑफिसर्स गांव के लोगों से और गवर्नमेंट के लोगों से लिंक, मतलब जुड़े हुए होते थे। ओके, इन केस ऑफ एनिमी इन्वेजन और ड्रॉट, कोई भी अगर दुश्मन ने अटैक कर दिया है या लूट मचाई है या फिर किसी नेचुरल कैलामिटी से लोग गुजर रहे हैं, तो ये वतनदार लोगों की हेल्प करते थे और गवर्नमेंट तक इनकी प्रॉब्लम्स को पहुंचाते थे। समटाइम्स दीज ऑफिसर्स मिसयूज देयर पावर्स, कभी कभी ये ऑफिसर्स अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल करते थे। दे कलेक्टेड मोर मनी फ्रॉम द पीपल देन वॉज ड्यू और डिड नॉट रेमिट द मनी सो कलेक्टेड टू द गवर्नमेंट इन टाइम। कभी कभी ये ज़्यादा पैसे ले लेते थे, जितने पैसे लेने चाहिए लोगों से उससे ज़्यादा ले लेते थे। ओके, और अगर समझो उन्होंने पैसे टाइम पे नहीं दिए हैं इसलिए वो ज़्यादा पैसे ले लेते थे गांव के लोगों से। ओके, ऑन सच ओकेशंस द पीपल सफर्ड हैरासमेंट, और इस ओकेशन पे, इस मौके पे लोगों को बहुत तकलीफ से गुजरना पड़ता था। ओके, द कैलामिटी ऑफ अ फेमाइन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, एग्रीकल्चर वॉज डिपेंडेंट ऑन रेन वाटर। खेती बाड़ी जो होती थी वो बारिश के पानी के ऊपर डिपेंडेंट होती थी, निर्भर होती थी। इफ़ इट डिड नॉट रेन क्रॉप्स वुड फेल, अगर बारिश ही नहीं पड़ेगी तो अनाज कैसे उगेगा। द प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स रोज, और फिर जब अनाज कम उगता था तो फिर जितने भी अनाज होते थे उन सब की प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाती थी। इट बिकेम डिफ़िकल्ट फॉर द पीपल टू गेट फूड ग्रेन्स एंड अदर थिंग्स, और फिर लोगों के लिए ये मुश्किल हो जाता था फूड ग्रेन्स और दूसरी चीज़ें खरीदने के लिए। देर वॉज नो फॉडर फॉर द कैटल, गाय भेड़ बकरी इन सब के लिए भी खाना पीना नहीं बचा था। ओके, नहीं बचता था। वाटर बिकेम स्कैर्स, पानी की कमी हो जाती थी। इट बिकेम डिफ़िकल्ट फॉर पीपल टू लिव इन द विलेज, और लोगों के लिए मुश्किल हो जाता था गांव में रहने का। दे वर फोर्स टू लीव द विलेज, और उनको फिर गांव छोड़ने की नौबत आ जाती थी। अ फेमाइन वॉज अ ग्रेट कैलामिटी फॉर द पीपल, और ये सूखा पड़ जाना एक बहुत बड़ी कैलामिटी थी, बहुत बड़ी विपदा होती थी लोगों के लिए, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। अ ग्रेट फेमाइन ऑकर्ड इन महाराष्ट्र इन 1630 CE, बहुत भयानक सूखा पड़ा था महाराष्ट्र में
सन 1630 में 1630 ईयर में पीपल वर ग्रेटली डिस्ट्रेस्ड ड्यू टू दिस फेमाइन. पीपल लोगों को बहुत तकलीफ हुई थी उस फेमाइन से. इट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड इन दीज वर्ड्स. और इन इस फेमाइन को, इस नेचुरल कैलामिटी को इन शब्दों में डिस्क्राइब किया है. पीपल वर रेडी टू सेल देमसेल्व्स और अ पीस ऑफ भाकरी. लोगों को लोग अपने आप को बेचने की नौबत आ गई थी लोगों को एक रोटी के टुकड़े के लिए. इतनी बड़ी तकलीफ आ गई थी लोगों के लिए. बट देयर वॉज नोबडी टू बाय देम. पर लोगों को भी ख़रीदने के लिए कोई नहीं था. इतनी बड़ी विपदा, इतनी बड़ी समस्या थी लोगों के लिए. समझ रहे हैं आप, लोग अपने आप को बेचने के लिए तैयार थे एक पीस ऑफ भाकरी, एक रोटी के टुकड़े के लिए, पर कोई भी उन्हें ख़रीदने के लिए भी तैयार नहीं था. देयर वॉज अ सीवियर स्कैर्सिटी ऑफ फूड ग्रेन्स. वहाँ पे उस समय खाने की भी बहुत तकलीफ आ गई थी. देयर वॉज अ या एंटायर फैमिलीज वर डिस्ट्रॉयड. पूरा परिवार बर्बाद हो जाता था. कैटल एंड फार्म एनिमल्स डाइड. और जानवर भी मर जाया करते थे. एग्रीकल्चर वॉज डिवास्टेड. और खेती भी एकदम बर्बाद हो चुकी थी. द फेमाइन, इस फेमाइन ने, इस सूखे ने लोगों की ही नहीं बल्कि जितनी भी इंडस्ट्रीज़, जितनी भी फैक्ट्रीज छोटी मोटी जो खाना, खाद्य पदार्थों को का उत्पाद करती थी, जो भी फूड प्रोडक्ट्स का डेवलपमेंट प्रोडक्शन करती थी, उसको भी बंद करवा दिया. क्योंकि इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी. ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स केम टू अ स्टैंड स्टिल. जितने भी लोगों के पैसे, सब कुछ ख़त्म हो गया लोगों के लिए. पीपल हैड टू वंडर टू फार अवे रीजन्स इन सर्च ऑफ अ लाइवलीहुड. लोगों को भटकना पड़ता था इधर से उधर, दूर के इलाकों तक जीवन के लिए, ज़िंदगी के लिए. इट वाज अ ग्रेट चैलेंज टू ब्रिंग बैक टू नॉर्मलसी द डिवास्टेड लाइफ ऑफ द पीपल. और लोगों की आम जिंदगी को वापस से नॉर्मल करने के लिए बहुत बहुत बड़ा चैलेंज था, बहुत बड़ी चुनौती थी. द वर्क ऑफ द वारकरी मूवमेंट, ये हमारा, दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर. देन वी विल पुट एन एंड टू दिस लेक्चर. ओके, देन स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक. सोसाइटी वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय ब्लाइंड बिलीव्स एंड रिचुअल्स. अभी समाज जो था, हमारे आजू बाजू के जो लोग थे, वो अंधविश्वास और बेमतलब के इन रिवाजों पर बहुत विश्वास करती थी. ओके, पीपल हैड बिकम फेटलिस्टिक एंड इनर्ट. दे हैड लॉस्ट ऑल इनिशिएटिव. द कंडीशन ऑफ द कॉमन पीपल वॉज मिसरेबल इन सच सर्कमस्टेंसेज. सेंस इन महाराष्ट्र इन डी वर्ड टू इंस्पायर द मैसेस. अभी लोगों की जो स्थिति थी बहुत बिगड़ चुकी थी. आम जिंदगी, लोगों की जो आम जिंदगी थी वो बहुत बर्बाद हो चुकी थी. ये मैं इस चीज़, मतलब ये फेमाइन के बारे में नहीं बता रहा हूँ. ये ऐसे ही लोगों की जो ज़िंदगी थी वो इन बेमतलब के रिवाजों और ब्लाइंड बिलीव्स, मतलब अंधविश्वास में बिगड़ चुकी थी लोगों की ज़िंदगी. तो इन सच सर्कमस्टेंसेस, इन सारी सिचुएशंस में महाराष्ट्र में कुछ संत, जो महाराष्ट्र के जो संत थे, उन्होंने महाराष्ट्र की स्थिति को बदला. ओके, और इन संतों का बहुत बड़ा हाथ है महाराष्ट्र की स्थिति को बदलने में, महाराष्ट्र की सिचुएशन को बदलने में. इन महाराष्ट्र द ट्रेडिशन ऑफ संत्स विच बिगैन विद द संत ज्ञानेश्वर एंड संत नामदेव वॉज कैरीड ऑन बाय संत्स कमिंग फ्रॉम वेरियस स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी. इन महाराष्ट्र में जो संतों का जो ट्रेडिशन है, जो रिवाज था, विच बिगेन विथ संत ज्ञानेश्वर एंड संत नामदेव, जो संत ज्ञानेश्वर और नामदेव के से शुरुआत हुआ और बहुत सारे संतों से आगे कैरी हुआ, जिसने सोसाइटी, महाराष्ट्र की सोसाइटी और हमारी आजू बाजू की सोसाइटी को बहुत डेवलप किया, लोगों को सुधारा, समझाया. पीपल फ्रॉम ऑल स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी वर पार्ट ऑफ संत ट्रेडिशन. स्ट्रेटा मतलब हर तरीके के लोग, कोई भी कास्ट के लोग, जितने भी कास्ट के लोग थे वो इस संत ट्रेडिशन के हिस्सा बन चुके थे. ओके, जितने भी कास्ट के लोग थे महाराष्ट्र में, वो सब संतों से इतने प्रभावित हुए, संतों से इतने उनके ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ा. ओके, फॉर एग्जांपल संत चोखा मेला, संत गोरोबा, संत सेना, संत सवाता, संत नरहरी, संत शेख मोहम्मद एक्सेट्रा, संत चखोबाज वाइफ, संत सोयराबाई एंड सिस्टर, संत निर्मलाबाई, संत मुक्ताबाई, संत जनाबाई, संत कन्होत्रा, संत बहिनाबाई सीवरकर एंड अदर वुमेन वर ऑल्सो अमंग देम. मतलब
पुरुषों के साथ साथ मर्दों के साथ साथ औरतें भी संत बहुत ही प्रचलित थी, मतलब बहुत फेमस संत हो चुकी है लेडीज़ भी, जैसे यहाँ पे सोईरा बाई, निर्मला बाई, मुक्ता बाई और जना बाई, कन्होत्रा, बहिना बाई और बहुत सारी और भी महिलाएं हैं जो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित, बहुत ज़्यादा फेमस हो गई संत ट्रेडिशन में, ओके संतों में। पंढरपुर वॉज एट द सेंटर ऑफ द संत मूवमेंट। पंढरपुर एक बहुत ही मेन सेंटर बन चुका था संतों का, जहाँ पर लोग विट्ठल भगवान की पूजा करते थे, विट्ठल जो कि विष्णु भगवान जी का एक रूप है। ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर चंद्रभागा एट पंढरपुर द संत्स एंड पिलग्रिम्स वर्करी यूज टू रिजॉइस इन देयर डिवोशन भक्ति। ओके, रिवर नदी एक थी चंद्रभागा, सॉरी है मतलब जो कि पंढरपुर की नदी है, पंढरपुर जो शहर है वो चंद्रभागा नदी के किनारे बसा हुआ है। वहाँ पर बहुत सारे संत और वर्करी जो कि आम लोग, जो हम बोलते हैं चारधाम यात्रा और तीर्थ यात्रा जिसको मराठी में वर्करी बोलते हैं, ओके तीर्थ यात्री जो कि भगवान के हॉली प्लेसेस पे ट्रैवल करता है उसे तीर्थ यात्री बोला जाता है, ओके और इसे मराठी में वर्करी बोला जाता है, जो कि इन्जॉय करने आते थे भगवान की भक्ति को, ओके यूज टू रिजॉइस इन देयर डिवोशन, अपनी भक्ति में आते थे और यहाँ पर मतलब पंढरपुर में भगवान की बहुत दिल से भक्ति करते थे। देयर इक्वालिटी वॉज प्रोपोगेटेड थ्रू भजन, कीर्तन्स एंड यूनिटी मील्स कला। वो लोग बहुत ही समानता के साथ रहते थे, मतलब कोई भी भेदभाव नहीं करते थे एक दूसरे में, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते थे, इक्वालिटी के साथ रहते थे और भजन कीर्तन और यूनिटी में रहते थे, ओके भजन करते थे, भगवान की कीर्तन करते थे और साथ ही में खाना पीना सब कुछ करते थे, ओके और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे संत नामदेव, संत ध्यानेश्वर जो कि सबसे पहले संत थे महाराष्ट्र के संत ट्रेडिशन में, ओके और उसके बाद संत एकनाथ, ये सब मैं आपको नाम बता दे रहा हूँ, संत तुकाराम, ये बहुत बहुत फेमस संत हैं जिनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और ये सेकेंड लेक्चर में इस चैप्टर को पूरा कर देंगे, ओके और ये है संत रामदास स्वामी। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है ये, सेकेंड लेक्चर भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसके बाद हम लोग शिवाजी महाराज के चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका चैप्टर का नाम है 5th चैप्टर फाउंडेशन ऑफ स्वराज, ओके सो मैं आपको मिलता हूँ अपने अगले लेक्चर वीडियो में, लेक्चर नंबर 2 ऑफ दिस चैप्टर विच इज महाराष्ट्र बिफोर द टाइम्स ऑफ शिवाजी महाराज। सो टिल देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज दीप्ति जिलानी चैनल एंड कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग। सो बाय, सी इन द नेक्स्ट वन। और हाँ यार, सब्सक्राइब तो करो ना यार, सब्सक्राइब करके जाओ। बाय, सी इन द नेक्स्ट वन।